हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज थर्सडे है। आज सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किए थे क्योंकि सुबह से आज थोड़ा सा तबीयत भी उतना सही नहीं है। अभी जो कल परसों में बुखार आया था काफ़ी, अभी वीकनेस कहिए या जो भी, मतलब ओवरऑल मिला के रिलैक्स फील अभी नहीं कर रहे हैं, तो मन भी नहीं हो रहा था। और एक तो पूजा करने के बाद फिर वही चाय मूंगफली, तो लगा क्या वीडियो उसी का बनाएं। एकादशी पे भी हो गया, अभी भी हो गया। और साबुदाना तो नहीं बनाए थे, दूध का ड्राई फ्रूट डाल के वही दूध पका लिए थे, वही पिए हैं। मीठा पता नहीं क्या हुआ है, इधर बीच मीठा खाने का मन ही नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा चीनी डाल के बस वही दूध पका लिए थे, वही पिए थे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे इतना तैयार होके घर में बैठी बीमार है, ऐसा नहीं है। जा रहे बाहर, मोहल्ले में शादी है तो आज मटमंगरा है, जो भी मुझे नहीं पता, यहाँ के कुछ भी नियम उतने नहीं अच्छे से पता है, तो वही कुछ प्रोग्राम है तो वही जा रहे हैं। तो फिर बाहर जाना है तो ठीक से तैयार तो होना ही होगा। यही वाला सूट डाले हैं, ये पीला भी है। हम लोगों के यहाँ तो मटमंगरा होता है तो उसी दिन हल्दी भी होता है, पता नहीं यहाँ तो शायद हल्दी नहीं होता है। जो भी हो, हम उसी हिसाब से सोचे थे पीला साड़ी पहनेंगे, फिर तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, कहे चलो सूट ही पहन लेते हैं। बाल में भी तेल लगा हुआ है, चिपचिप है। कल का ही तेल लगाए थे, बुखार हुआ था तो फिर तेल लगा लिए थे, सर बदन सब दर्द कर रहा था, लगा लिए थे। फिर कल ठंडी लगने की वजह से बाल धुले भी नहीं कि और बुखार वापस ना आ जाए, तो ऐसे ही रहने हो। क्या चलो कोई नहीं, कभी कभी तेल भी लगे रहना चाहिए। काफ़ी लगाए हैं, थोड़ा बहुत नहीं लगाते हैं, मेरी आदत है तेल लगाएंगे तो थोड़ा बहुत नहीं लगाते, फिर अच्छा खासा लगा लेते हैं। शाम के खाने में भी आज अपने लिए कुछ खास नहीं करेंगे, देखते हैं क्या जो भी मन करेगा। कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा है बुखार की वजह से, अंदर से जैसे लग रहा है बुखार है या पता नहीं। तो अभी जा रहे हैं वहाँ, वहाँ से देखते हैं कब तक आते हैं। तो फिर खाना भी इन लोगों का तो बनाना ही रहता है, मेरे हस्बैंड को कुछ भी सब कुछ कर लेते हैं, बहुत होगा तो साफ़ सफाई तो खैर कर देते हैं, अगर मैं बीमार हूँ तो घर मेरा गंदा नहीं मिलेगा, वो कर लेते हैं क्योंकि उनको खुद बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई पसंद है। और जितना उनसे होते बनता है सब कुछ कर कोशिश करते हैं कर लें, लेकिन किचन का काम उनसे नहीं हो पाता है, खाना नहीं बना पाते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो बना के हट जाते हैं, केवल बना के हट जाएंगे तो फिर खिला पिला लेंगे, इतना काम कर लेते हैं, खा लेंगे, अपने से लेके खा लेंगे, बच्चों को खिला लेंगे, चाहे मुझे भी ला के दे देंगे, लेकिन कोशिश कर अगर बहुत ज़्यादा कभी बीमार पड़ गए तो सब्जी काट के दे देंगे, इतना कर देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो फिर लगता है कि फिर उनको फोर्स करना अच्छा भी नहीं लगता। चलिए फिर चलते हैं। यही वाला सूट पहने हैं, कुछ ये सूट तो एक दो बार और पहने हैं तो दिखाएं आप लोगों को, वैसे शीशा से दिखा दे। साइड दुपट्टा ले लिए हैं ताकि थोड़ा वो तैयार लगे। चलिए फिर चलते हैं, आके मिलते हैं। अभी थोड़ा देर था तब तक नेल पेंट भी लगा लिए, नेल पेंट नहीं लगाए थे, तबीयत खराब तो ऐसे ही लेटे थे, अचानक से फोन आया तो हम कहे कि अच्छा चलिए ठीक है तैयार आ रहे हैं, तैयार होके फिर जब तैयार हो जाओ तो फिर थोड़ा सा लगता है ये भी कर लेते वो भी कर लेते हैं, क्या नेल पेंट भी लगा लें, नाखून सूना सूना लग रहा था। चलिए अब फिर चलते हैं। अमेजोन से मैंने चॉपर मंगवाया है, मेरा जो था हैंडल वाला प्रॉपर साग चाहे, उसकी वो कैपेसिटी भी काफ़ी बड़ा था, मुझको लग रहा है एक से तो अधिक ही था, एक सवा लीटर या डेढ़ लीटर के लगभग में होगा, लेकिन अब तो वो नहीं मिल रहा है। उस तरह के हैंडल वाले तो खैर अब मिल ही नहीं रहे, ये है इसका 900 ml है, 900 ml की कैपेसिटी है, यही मिल ही रहा है ज़्यादातर देख रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिक वाले मिल रहे हैं इस तरह से, और ये ऐसे कर करके ऐसे करके साग काटने के लिए, ज़्यादातर तो मेरा मतलब उसका यूज़ साग काटने के लिए ही करते थे। उसकी हैंडल ख़राब हो गई है, उसकी हैंडल है कि हैंडल घूमती है ऊपर से, फ्री हो गई है हैंडल, ऊपर से घूमती है, नीचे से चॉपर वाली ब्लेड नहीं घूमती, तो साग काटने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। और
वैसे भी उसमें लौकी हो या साग हो, लौकी की जैसे फ्राई वाली सब्जी बनानी हो, केवल जीरा फ्राई करके, या फिर दाल में डालने के लिए लौकी बनाना हो, उसी से करते थे। काफ़ी मतलब उसका बहुत फ़ायदा होता था। कोई भी चीज़ जैसे लौकी की सब्जी काटने छौंकने के लिए कुकर चढ़ाए हैं और तुरंत बस छील के रखे हैं, तुरंत तुरंत काटते जाओ डालते जाओ, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता था। पता नहीं इसका क्या होगा, इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है तो थोड़ा तो दिक्कत होगा ही। और दूसरी चीज़ उसमें ऊपर से डालने वाला था तो डालते जाओ फिर काटते जाओ, अब इसमें है कि जो डाल दो उसी को करो, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। और दूसरी चीज़ जिसकी आदत बनी होती है ना, आदत बनी होती है जिस चीज़ से, तो थोड़ा नया चीज़ में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ब्लेड इसकी, मतलब इसके ब्लेड 4-5 ब्लेड हैं, उसमें 3 ब्लेड थे, तो जल्दी जल्दी काटेगा, ठीक है। लेकिन बहुत दिक्कत हो रहा था इसके बिना, तो देखे वो वाला तो मेरा 999 का था, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ था, चिप्स का, कद्दूकस करने का, और बहुत मतलब उसमें ऑप्शन था, और जूसर भी था, छोटा सा जूसर भी था, इसलिए 999, ये 299 का है। बहुत देखने के बाद ये बहुत छोटा छोटा मिल रहा था, लेकिन ये वाला तो थोड़ा सा बड़ा था, तो हम कहे नहीं मुझे तो ज़्यादा प्याज काटने के लिए नहीं लेना है, प्याज टमाटर काटने के लिए नहीं लेना है, मुझे तो मेन साग काटना है, लौकी काटना है। देखते हैं प्रॉपर यूज़ होता है कि नहीं। साग तो कटाया जाएगा लेकिन थोड़ा कम कम, और वो रखे नहीं है, फसूल रखे नहीं है, पता नहीं उसको और हसुआ या जा जो भी बोलते हो, नहीं पता हम लोगों के यहाँ फसूल बोलते हैं, वो रखे नहीं है, तो चाकू से दिक्कत होती है साग काटने में, तो यही मंगाए हैं। अब जाके वहाँ से आए हैं, 7, 7:30 बजे आए हैं, आए 15 मिनट हो गया, 7:30 बज गया, 4:30 बजे गए थे, 7:30 बज गया। किसी के यहाँ भी जाओ तो प्रोग्राम में थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है, और सबका अलग अलग होता है। फिर थोड़ा बहुत गाना बजाना भी होने लगा, कहें कि फिर रात में नहीं आना पड़ेगा, कल तो रात में गए थे, लेकिन अभी कहें कि अभी आई हो तो सब लोग कर लो, फिर मुझे तो नहीं आता है गाना बजाना और डांस करना, ये तीनों चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो लेकिन है सब लोग गाते हुए तो उसमें बैठना तो रहता ही है। अभी जा रहे हैं चूड़ा दूध खाएंगे, क्योंकि कुछ खाने का मन भी नहीं हो रहा है, और मीठा कुछ बनाओ तो क्या बनाए समझ में नहीं आ रहा है, और सबसे ज़्यादा बनाने की हिम्मत भी नहीं है कि कुछ बनाए, फिर अपने लिए बनाएंगे जो भी, फिर ये तो खाते नहीं हैं, कोई भी ऑयली चीज़ बनाएंगे तो ये खाएंगे नहीं, तो फिर रोटी सब्जी भी इनका बनाओ, सोचे जा रहे चूड़ा दूध खा लें, फिर रोटी सब्जी इनको बना के देंगे। अभी आए हैं, ये भी हमारे आने से पहले ये आ गए थे, फिर चाबी मांग के खोल लिए थे, जस्ट सामने ही है, बगल में है, बहुत दूर नहीं है। तो अपने वीडियो का भी एंड करते हैं, क्योंकि अब आगे नहीं लगता कंटिन्यू रख पाएंगे, जाएंगे अभी कपड़ा चेंज करेंगे, फिर फेस पैक तो नहीं लगाएंगे, कल ही फेसियल किए हैं तो कुछ लगाएंगे नहीं फेस पे, बहुत ज़्यादा कुछ लगा के भी नहीं गए थे, बस थोड़ा सा फेयर लवली लगा लिए थे, बाकी कुछ लगाए नहीं थे, तो कुछ ज़्यादा एक दिन फेसियल रहता है, फेसियल करे रहो तो एक दिन कोई क्रीम नहीं लगाना रहता है, तो इसलिए अब हल्का सा वो क्या कहते हैं फेयर लवली लगा लिए थे, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो ये जान है वो उतारेंगे, फिर आज थर्सडे है तो फेस वॉश से मुंह भी नहीं धुलते हैं, ऐसे ही क्लीनर से, क्लीजिन मिल्क से फेस क्लीन कर लेंगे, अभी खाएंगे, खाने के बाद फिर बना के तभी लेटेंगे। चलिए फिर वीडियो का भी एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।